हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इसी बात पे मेरी गुड़िया दांत दिखाई, गुड़िया दांत दिखाना ई करके ये अपने दांत दिखा रही है। और इसकी हो रही है तबीयत खराब, पता नहीं क्या, मेरी गुड़िया ये जीभ निकाल दी, इसकी हो रही है तबीयत खराब, पता नहीं क्या हो गया इसके, बुखार हो रही है अभी बहुत तेज, नाक बंद है, जुकाम लगी हुई है। अब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा वायरल है, अभी तो क्या कहते हैं मोशन भी स्टार्ट होंगे, उल्टियाँ स्टार्ट होगी। तो गॉड से प्रे करो। आज तेजा जी का महाराज का वो है मेला, तेजा जी महाराज तेजादशमी है, तो जाएंगे अभी वहाँ पे और महाराज से दुआ करना प्लीज़, इसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, क्विकली फास्ट। और बच्चा पार्टी दी, क्या कर रही है, क्या कर रही है तू, क्या कर रही है, क्यों कूट रही है इसको, हैं ये क्या है, गिर रही, अच्छा पत्तों का रस निकाल रही है। गई सी मेरे को बोल रही है मेरे फोन को, पाँव पाँव हमने चला दिया। अब बता क्या बोल रही थी तू, बोल क्या बोल रही थी, फोन बड़ी क्यूट है ना गाइस, मेरे को बड़ी प्यारी है। पूछी दे दे, पूछी दे दे, पूछी दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे, ले पूछी दे, ये मेरे को पूछी दे, बोलती नहीं, बोला पापा काले हुआ, काले आदमी आगे पूछी तोड़ ली जाती है, देखो कैसे कर रही है। फिर चलते हैं, आज किरण ने क्या क्या बनाया पकवान वो देखते हैं। राम राम मामा, क्या हाल चाल, आज मैडम सिखाएंगे दुआले वाली, ख्याल खिलौना है ना, ख्याल खिलौना है, जैसे जय लिया हुआ है। चल दिखा आज देख कहीं कहीं माल बनाए जी, कल कहीं माल बनाए जी, दिखा जी दिखा, थोड़ा सा दर्शन करा जी माला का, इसमें क्या है, वाओ आलू छोले की सब्जी और नेक्स्ट आइटम ढक्कन के अंदर ढक्कन, नेक्स्ट आइटम खीर, वाओ मेरी फेवरेट, क्या नहीं आपकी खीर, खीर मेरी फेवरेट है, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। इसमें क्या है, रोटी नहीं तो पकौड़ी, पकौड़ी और पूरी, और इसमें क्या है, पूरी। तो गाइस हमारे ये माल बना, आप लोगों को क्या क्या माल बना कमेंट करके बताना। तो गाइस आ गए हम मेले में, ये मेला भर रहा है हमारे सिरसी के अंदर, जो नाडिया के अंदर है, तेजा जी महाराज वहाँ के पुराने तेजा जी, बहुत पहले से होता है, मैं पांचावाड़ा का तो प्रवीण गया था, मैं क्या सिरसी में था, तो हम इधर आ गए मेले के अंदर। तो ये कुछ ऐसी भीड़ है इसके अंदर, तो अब लेके चलते हैं आपको धीरे धीरे तेजा जी महाराज, जहाँ पे उनके ढोल मंदिर बज रहे हैं, तेजा जी महाराज आएंगे ना उसके लिए जो व्यवस्था की हुई। यहाँ ये देखो, यहाँ इनमें तेजा जी महाराज आ रहे हैं जो, और ये क्या कहते हैं चैन से भी मारते हैं, पता नहीं बहुत कुछ होता है, तो बने रहो ब्लॉग में, ब्लॉग बिल्कुल रॉ डाला हुआ है गाइस, तो ये मत देखना गाइस कि बोले यार हमने नहीं देखा क्या, जिस जो नहीं जानते ये उनके लिए है, और जो जानते हैं उन्होंने तो तेजा जी महाराज देखा ही होगा। तो ये ढोल बज रहे हैं, बड़ा मस्त, बहुत अच्छा शानदार, पब्लिक वगैरह सब रहती है, ये देखो ये चैन से भी मारते हैं, पता है आप लोगों को, इनके पास चैन होती है, चैन से पीठ पे मारते हैं, और जैसे तेजा जी महाराज आते हैं ना तब उस टाइम के ऊपर, ये देखो ढोल बज रहे हैं और चालू है ये प्रोसेस। मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ क्योंकि उस टाइम ढोल नगाड़े बहुत तेज़ थे ना, तो मेरी वॉइस थोड़ी दब यानी आ नहीं रही थी प्रॉपर, इसी वजह से पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, देखो कितनी भीड़ है। अब चलते हैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ, मंदिर परिसर ये इस साइड में है, ये है मंदिर, पांचावाला का मंदिर थोड़ा अलग है, हमारे इधर मीनावाला में, पांचावाला में, गोकुलपुरा में, तीन जगह तो मेरे देखा हुआ है तेजा जी महाराज का ये होता है मेला, पड़ता है तेजादशमी के दिन, और हमारे जो मैंने बताया पकवान लगभग सभी घरों में शायद वही बनता है, और वही आके सब चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं यहाँ पे, सुबह पहले आते हैं बनाते हैं ताज़ा, तेजा जी महाराज का तो घी में बनता है, प्योर घी में, पूड़ी भी घी में तलती है, पुए भी घी में तलते हैं, पकौड़ी नहीं चलती, पूड़ी पुए और खीर, हम तो ये चढ़ा के आते हैं यहाँ पे। तो अब चल देखो मंदिर की तरफ चलते हैं, ये है मंदिर यहाँ पे, ये जोत जल रही है, लोग जोत देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे जो चढ़ावे का है, जो जो कार्यकर्ता होते हैं ना वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये इन बाबा जी में तेजा जी महाराज आते हैं,
और यहाँ पे जो सामान नारियल वगैरह चढ़ाने से प्रसादी का जो होता है वो है ये चीज़। वैसे आप सबको पता ही रहेगा बाल्टी भर के खीर रखी हुई है। कैमरा लेकर मारता हूँ उसको थोड़ी देर तरफ, थोड़ी देर में। और अंकल हट जाओ सामने से। तो जिनमें भी तेजा जी महाराज की छाया आती है वो इस वक्त जागरूक हो जाती है। इनके अंदर ढोल नगाड़े जब बजते हैं ना उस वक्त। ये देखो खीर, ये देखो इसमें खीर, पुआ पूड़ी वगैरह यहाँ पे रखी हुई, बाल्टी भर के खीर रखी हुई है। ये दूसरी बाल्टी में भी खीर है, तीसरी बाल्टी में भी खीर है। इसमें टोकरे में पुआ पूड़ी ये चीज़ें यहाँ पे इसमें रखी हुई है। अब नेक्स्ट डे इनका करते क्या है ये मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता हो, किसी भाई को, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वैसे मुझे पता है प्रसादी के रूप में सबको बांट दिया जाता है। प्रसादी है एक तरह से, क्योंकि माता जी भगवान की चढ़ती है ना, ये इसी वजह से। तो अब चलते हैं वापस उस साइड में और ब्लॉग को एंजॉय करो।